स्टूडेंट ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 3.17 फ्रॉम पेज नंबर 94 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। कि ये बोल रहे हैं कि आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो मैग्नीशियम से कम होती है, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस आर एज फॉलोज, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दी हुई है सोडियम की, दैट इज नियॉन, नियॉन मतलब 1s2 2s2 2p6, ठीक है। ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल आ गई और सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट इज 3s1। मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहा है, नियॉन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 आ गई, ठीक है। अब देखा जाए तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और Na पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ जाएगी, मतलब इक्वल टू नियॉन आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो किससे, मैग्नीशियम से कम होगी, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, अब इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, ये जो फुली फिल्ड 2p6 ऑर्बिटल होगी इसमें से रिमूव्ड होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये स्टेबल हो चुका है, तो अगर आप स्टेबल को अनस्टेबल करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम की मैग्नीशियम से ज्यादा आती है, क्योंकि मैग्नीशियम के केस में जब ये Mg पॉजिटिव कन्वर्ट होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो क्या आएगी, Ne3s1 आएगी, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेटली अगर ये लूज करता है Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम से कम आ रही है। तो हम आंसर देख लेते हैं, सोडियम हैज वन वेलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3s1। ये हमने बात की है कि सोडियम के पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड बाय लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स स्टेबल कॉन्फिग्रेशन। अगर वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन जो है वो एक्वायर कर लेगा। देयरफॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, इसीलिए सोडियम की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से कम आती है। आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन Na अटेन्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, सोडियम ने जो थी नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन एक्वायर कर ली। अब नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अगर वो एक्वायर कर रहा है, वेयर एज मैग्नीशियम हैज वन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, जबकि मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव बनने पे एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बाकी बच जाता है। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसकी भी हमने बात की है कि अगर आप ये जो फुली फिल्ड 2p6 ऑर्बिटल है इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए देयरफॉर द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है सोडियम की वो मैग्नीशियम से हायर आ रही है।